दोस्तों मुकेश अंबानी के घर की ये सीक्रेट बात जान के आपका दिमाग चकरा जाएगा। और कैसे आपका इलेक्ट्रीशियन आपको आपके स्कूल का टॉपर बना देगा, और कैसे इंस्टाग्राम के फनी कमेंट्स ऑलमोस्ट मरे हुए आदमी को जिंदा कर देते हैं। बॉलीवुड मूवी के बिहाइंड सीन देखकर आप सोचोगे कि ये ऐसे शूट हुए थे। तो ऐसे इंटरेस्टिंग फैक्ट हम आपको इस वीडियो में बताने वाले हैं, तो प्लीज वीडियो को फुल देखिएगा। उससे पहले एक ही सेकंड लगेगा, प्लीज चैनल को सब्सक्राइब और लाइक कर दीजिए। कर दिया ना, कर दो भाई, एक ही सेकंड लगेगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। दोस्तों इस ट्रक को ध्यान से देखिएगा। आप सोच रहे होंगे कि इस ट्रक में कंकड़ पत्थर भरे हुए हैं, लेकिन जब इस ट्रक को पीछे से खोला गया तो सब देखकर हैरान हो गए, क्योंकि ट्रक में कोई कंकड़ पत्थर भरे ही नहीं थे। ट्रक के पीछे एक चैम्बर था जो कि बहुत बड़ा था, वो भी खाली था, जिसमें ट्रक वाले लोग कुछ चुरा कर ले जाते थे। दोस्तों नॉर्मल पुलिस वाले यह देखकर ट्रक को पीछे से खोलने के लिए कहेंगे ही नहीं, क्योंकि उनको दिख रहा है कि पीछे कंकड़ पत्थर भरे हुए हैं। यदि हम इस ट्रक को खुलवाएंगे तो सारे कंकड़ पत्थर नीचे गिर जाएंगे और पीछे जाम लग जाएगा। इसी का फायदा उठाते हुए ट्रक वाले लोग चोरी आराम से कर लिया करते थे। अब दोस्तों इस लड़की के फोटो को ध्यान से देखिएगा, आप विश्वास नहीं मानोगे, इस लड़की ने पेन किलर टैबलेट की जगह एयरपोर्ट्स खा लिए। दरअसल दोस्तों जल्दबाजी में इस लड़की ने पेन किलर टैबलेट की जगह एयरपोर्ट्स खा लिए। जब डॉक्टर ने इसके बारे में लड़की से पूछा तो लड़की बोली टैबलेट भी काफी बड़ी थी, इसलिए मैं समझ नहीं पाई कि मैं पेन किलर टैबलेट खा रही हूँ या एयरपोर्ट। फिर क्या, बड़ी मशक्कत के बाद डॉक्टरों ने इसके पेट से एयरपोर्ट्स निकाल दिए। कभी आपने सोचा कि बिजली के झटके से आप मैथ के जीनियस बन जाओगे? कई बार देखा गया है कि जब लोगों को बिजली का जोरदार झटका लगता है ना, तो ऑटोमेटिक लोग मैथ में काफी होशियार हो जाते हैं। लेकिन मेरी बात सुनके आप झटका मत लगा लेना, क्योंकि आपकी जान जाने का भी खतरा रह सकता है। और क्या फायदा है इस बिजली के झटका लगवाने से, क्योंकि फिर से आप 6 महीने बाद पहले की तरह नॉर्मल हो जाओगे, जीनियस तो रहोगे ही नहीं। वैज्ञानिकों को अभी तक इसके बारे में ज्यादा पता नहीं लगा है। क्या आपको पता है कॉलगेट आपको स्मार्टफोन फ्री में दे रहा है? मैं भाई कोई प्रमोशन नहीं कर रहा कॉलगेट का, बस आपको नॉलेज के लिए बता रहा हूँ। अगर दोस्तों आप कॉलगेट के ऐप को डाउनलोड करके लॉग इन करते हो ना और कॉन्टेस्ट में भाग लेते हो तो आपको स्मार्टफोन मिल सकता है। नॉर्मल कोको कोला और डाइट कोको कोला दोनों अलग अलग ड्रिंक हैं, और काफी लोगों को लगता है इन दोनों ड्रिंक में ज्यादा फर्क नहीं है, लेकिन ये बात सरासर गलत है। इन दोनों ड्रिंक में बहुत फर्क होता है। जब आप नॉर्मल कोको कोला को पानी में डालोगे ना तो वो कोको कोला डूब जाएगी, और जब डाइट कोको कोला को आप पानी में डालोगे वो तैरने लगेगी। दोस्तों इसका सीधा सीधा मतलब है कि दोनों कोको कोला में जो ड्रिंक है उनकी डेंसिटी अलग अलग है। एक महिला ने 2.8 मिलियन की कमाई अपने बच्चों की जगह एक कुत्ते को दे दी। इसके पीछे की वजह इस महिला ने बताई कि इसके जो बच्चे थे वो इससे मिलने एक भी बार नहीं आया करते थे, और वो औरत काफी ज्यादा अकेला फील करती थी। लेकिन इसके जो दो कुत्ते थे वो हर समय इसके पास ही रहा करते थे, तो इसलिए उसने सारी संपत्ति उसके नाम कर दी। इसमें कोई गलत तो नहीं किया इस लड़की ने? कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा आप। ये जो बिल्डिंग आप फोटो में देख रहे हो ना, इसे पहले तोड़ दिया गया, फिर इसको एक एक ईंट से दोबारा वैसा ही बनाया गया जैसी पहले थी। ऐसा क्यों हुआ इसको जानने के लिए आपको कमेंट सेक्शन में जय श्री राम लिखना पड़ेगा, तभी मैं इसकी नेक्स्ट वीडियो लाऊंगा। नेक्स्ट वीडियो में आपको इसकी बारे में डिटेल से बता दूंगा। ये जो दोस्तों प्यारा कबूतर आप देख रहे हो ना, इसे जेल हो गई थी। पुलिस वालों ने कबूतर को जेल में डाल दिया। एक दो दिन के लिए जेल में नहीं डाला, वो भी 8 महीने के लिए जेल में डाल दिया भाई इस कबूतर को, क्योंकि दोस्तों पुलिस वालों को शक हुआ कि ये कोई चाइना का दूत है। इस कबूतर की मेन वजह पकड़ने की थी कि इसके पैरों में 2 रिंग थी और इसके पंखों पर कुछ चाइनीज लिखा हुआ था, इसलिए दोस्तों इसे 8 महीने की जेल में रखा गया। दोस्तों आपने अक्सर देखा होगा कि लोग किसी सदमे के कारण कोमा में चले जाते हैं, लेकिन कभी आपने देखा कि कोई आदमी हंसते हुए कोमा से बाहर निकल गया हो? इस लड़की को दोस्तों आप ध्यान से देख लो, ये लड़की कोमा में चली गई थी और 5 साल से कोई भी रिएक्शन नहीं दे रही थी, लेकिन 5 साल बाद एक जोक पर ये लड़की हंसते हुए कोमा से बाहर निकल आई। इस खबर ने लोगों को पूरी तरह चौंका दिया। दोस्तों मूवी तो आपने बहुत देखी होंगी, लेकिन मूवी से कमाल के होते हैं उनके बिहाइंड सीन्स, जो आपको देखने ही नहीं मिलते। रिसेंटली रिलीज हुई फ्रेडी मूवी में
ये दांत वाला सीन तो आपने जरूरी देखा होगा, जो कि लोगों के रोंगटे खड़े कर देता था। इस सीन को शूट करने के लिए आप वीडियो में देख सकते हो किस तरीके से मेकअप किया गया था। अब दोस्तों इस मूवी के बिहाइंड सीन को ही देख लीजिए। यहाँ पर फाइटिंग की शूटिंग चल रही थी और रोहित शेट्टी इस फाइटिंग के सीन को कैसे शूट कर रहे हैं आप देख ही सकते हो। अगर दोस्तों जो एक्टर फाइट कर रहा है ना, उसका एक मूवमेंट गलत हो गया तो पूरा सीन दोबारा लेना पड़ेगा। इसमें रिस्क तो होता है भाई, मतलब कमाई भी बहुत होती है यार। अब दोस्तों इस मूवी के सीन को ही देख लीजिए। आपने सलमान खान की मूवी किक तो जरूर देखी होगी और उसमें साइकिल वाला सीन भी देखा होगा, लेकिन वीडियो में जो आप कार पीछे देख रहे हो ना, जो टकरा रही है, वो वास्तव में ग्रीन स्क्रीन थी। और गाड़ी जो पीछे से टकरा रही है ना, उन्हें अलग कहीं टकरा के पीछे लगा दिया गया है। मुकेश अंबानी का जो घर है ना, उसे बनाने के लिए काफी दिमाग लगाया गया है। घर का जो हर एक फ्लोर है अलग अलग थीम में बनाया गया है, जैसे कि किसी भी फ्लोर में आप एंटर करोगे ना तो अलग ही वाइब आएगी। और दोस्तों जो गाड़ी खड़ी होती है ना, उनके लिए अलग फ्लोर बनाया गया है, सिर्फ वहां गाड़ी ही खड़ी हुआ करेंगी। और दोस्तों जो अंबानी के घर में स्टाफ काम करता है, उसके लिए अलग रूम है सोने के लिए, जिसमें करीब 600 लोग रह सकते हैं। और इसके बारे में डिटेल्स में अगर आपको जानना है ना, वास्तव में आपको डिटेल्स में जानना, तो कमेंट सेक्शन में आपको लिखना होगा अंबानी। आपके लिए डिटेल्स में वीडियो मैं जरूर लेकर आऊंगा। उससे पहले आपको ये वीडियो जरूर देख लेनी चाहिए। इसमें मैंने आपको बताया है कि चींटी को माइक्रोस्कोप से देखने पर वह किस तरीके से भयानक दिखती है, और भी बहुत सारी चीजें मैंने माइक्रोस्कोप से दिखाई है इसमें। तो प्लीज वीडियो को फुल देखिएगा और मजे के साथ देखिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट फैक्ट के साथ। जब तक के लिए राम राम जी दोस्तों।